हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान पर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सर, झारखंड सरकार की तरफ से फाइनली एक रिक्वायरमेंट निकाल के आ गई है, जो लेटेस्ट है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाल के आई है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिटेल में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, रिक्वायरमेंट पोर्टल, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो इसके तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाल के आई है। इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए दिया गया है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और इसका एडवर्टाइजमेंट वेरियस टाइप ऑफ यहाँ पे जो दिया गया है लातेहार डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाल के आई है। तो इसका व्यू करेंगे तो हम लोग का PDF डाउनलोड हो जाएगा, और रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए रजिस्टर टू अप्लाई दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग उसका एडवर्टाइजमेंट जो डाउनलोड किए हैं उसको डिटेल देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहले जिला ग्रामीण विकास अभिकरण लातेहार की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाल के आई है। पद का नाम प्रखंड समायक दिया गया है, यानी कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, और दूसरा दिया गया है लेखाशक कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें दो वैकेंसी है, पहला वाला में और दूसरा वाला में भी दो ही दिया गया है। दो दो वैकेंसी है, जनरल के लिए एक है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक है, और दूसरा वाला जो पोस्ट है उसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए ही दोनों दिया गया है। पहला वाला का एज लिमिट दिया गया 22 से 45, दूसरा वाला का 18 से 30 दिया गया है। पहला वाला का सैलरी रेंज 18,000 हो जाता है, दूसरा वाला का 10,000 हो जाता है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो दिया गया है यहाँ पे आप लोगों का रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये सब में आप लोगों का ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए 1 साल एक्सपीरियंस के साथ में। दूसरा वाला का जो दिया गया है 12 पास होना चाहिए कॉमर्स में, और साथ ही साथ DCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी टंकन आना चाहिए, तब आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में। और एज की बात करें 1/9/2019 के आधार से अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आप लोगों का ये एज आ जाना चाहिए, जैसे 18 से 30 दिया गया है, और पहला वाला जो दिया गया है उसमें 22 से 45 दिया गया है। इसको अप्लाई करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कहां से अप्लाई करना है, जिसका डेट है 26/9/2019 से 10/10/2019 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और वेबसाइट वगैरह तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ऐसा डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यही एक छोटी सी रिक्वायरमेंट निकाल के आई थी जो झारखंड सरकार की तरफ से है। आप लोग अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो जल्दी इसको अप्लाई कर लें दोस्तों, बहुत ही कम टाइम है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है इसी तरह से तो जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी नोटिस आएंगे सब आप लोगों को मिलते रहेंगे। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा देना पड़ेगा।